मेरे प्रिय भाइयों बहनों प्यारे बच्चे हमारे प्रिय सिस्टर जन आप सब पहली बार इस कलीसे के समय चौथे इतवार चालीसे के हम लोग सब ऐसा में सबलिदान कर रहे हैं ये मेरे लिए पहले बार ऐसे मैंने मिस्सा और ऐसा मिस्सा कर रहा हूँ आप लोग हमारे साथ शारीरिक रूप से इस कलीसिया इस चर्च में नहीं है लेकिन आत्मिक रूप में हम सब प्रभु यीशु में है क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से आते हैं मैं वहाँ हूँ प्रभु यहाँ है प्रभु आपके पास है आप दो तीन चार पाँच कितने भी हो अपने अपने परिवारों में आप प्रभु यीशु में हैं हम प्रभु यीशु के एक शरीर है वो कहेंगे हमें इस मिसा बलिदान में ये मेरा शरीर ये मेरा रक्त प्रभु यीशु प्रिय भाई बहनों प्यारे बच्चे आप लोग जैसे इतवार में गिरजाघर में आते हैं अपने अपने पैरिशेस में जाते हैं आप लोग साफ सुथरा कपड़े पहन के जाते हैं इसी तरीके से आप भी अपने को तैयार करो इस मिसा बलिदान के लिए और अपने अपने घरों में जहाँ आप कमरे में हैं वहाँ एक टेबल रखो साफ कपड़ा रखो उस टेबल पर और वहाँ पर क्रूस रखो और मोमबत्ती रखो और यदि एक और बाइबल है आपके पास वो भी टेबल पर खुला रखो प्रभु यीशु के पास क्रूसिफिक्स के पास क्योंकि जैसे आप मिसा बलिदान में भाग लेते हैं आप एक आत्मिक रूप में इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं और आखिरी बात आपके पास मोबाइल है ये है वो है सब इस समय उसको स्विच ऑफ करो ताकि जैसे आप चर्च में आते हैं पूरा भक्ति से भाग लेते हैं वैसे हम यहाँ आए हैं विनम्रता से भक्ति से और अपने हृदय में प्रभु के प्रति प्यार एक प्रायश्चित के रूप में हम आ रहे हैं और एक ही मकसद से कि हम मिसा बलिदान में जैसे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ उसे चढ़ाया है वैसे हम भी इसमें भाग लेंगे गॉड ब्लेस यू ऑल Oh.
प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच्चर्य आप सबको प्राप्त हो। आज के इंट्रोडक्शन चौथे इतवार चालीसे के इतवार में हम सुनते हैं यीशु ने कहा संसार की ज्योति मैं हूँ। हम इस निर्बल और नाजुक अंधकार और कमज़ोर अवस्था में प्रभु यीशु के पास ईश्वरीय रोशनी से भरपूर होने के लिए आते हैं प्यारे भाइयों बहनों और बच्चे, ताकि उसकी रोशनी द्वारा हमारा परिवर्तन हो और दूसरों के जीवन में बीमारी रूप अंधकार को विशेषकर जो कोरोना वायरस दुख और पाप के कारण है को हम ईश्वरीय रोशनी द्वारा उज्जवल कर सके। इस मतलब से इस मिस्सा बलिदान में इस निवेदन को हम प्रभु के चरणों पर रखते हैं। हम सब प्रभु के चरणों में आए हैं। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। आप लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे देश में सारे देशों में क्या हालात है, हम दुआ करेंगे। ये विश्वमारी भरी जो वायरस है इस पर प्रभु की कृपा प्रभु की आशीष हम पर आए। महामारी बीमारी हम सब पर है, प्रभु हमें चंगाई करे, चंगाई दे, इसके लिए दुआ करें। विनम्रता से और कोमलता से प्रायश्चित से हम एक साथ कहते हैं भाइयों और बहनों, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना करें, हे पिता, तू प्रभु यीशु के द्वारा
मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप करता है। क्रिस्तीय जनता ज्वलंत भक्ति और तेज विश्वास के साथ आगामी त्योहार मनाने की ओर अग्रसर हो। ऐसे कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। चालीसे का चौथा इतवार, पहला पाठ। दाऊद यीशु का सबसे छोटा बेटा था, फिर भी ईश्वर ने उसे यहूदियों का राजा बनने के लिए चुन लिया, क्योंकि ईश्वर मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। समूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 16, पवित्र वचन 1:6-7, 10-13। दाऊद को इसराइल के राजा का अभिषेक दिया जाता है। प्रभु ने समूएल से कहा, तुम सिंह में तेल भर कर लाओ, मैं तुम्हें बेतलहम निवासी इससे के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा चुना है। जब यस्से के पुत्र समूएल के सामने आए, तो समूएल एलियाब को देखकर यह सोचने लगा कि निश्चय ही यह ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने समूएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान ना रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। जब यीशु अपने 7 पुत्रों को समूएल के सामने उपस्थित कर चुका, तो समूएल ने यीशु से कहा, प्रभु ने उनमें से किसी को नहीं चुना। उसने यीशु से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यीशु ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़े चरा रहा है। तब समूएल ने यीशु से कहा, उसे बुला भेजो, जब तक वह ना आए हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यीशु ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने समूएल से कहा, उठो, इसी को अभिषेक दो, यह वही है। समूएल ने तेल का सिंह हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदान में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता है और मुझ में नव जीवन का संचार करता है। अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी सी हो, ना कर जाना ही ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। कमी नहीं। तू मेरे
शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलापन करता है। तू मेरा प्याला लबलब भर देता है। प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घेरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसने अनंत काल तक निवास करूँगा। दूसरा पाठ। प्रभु का शिष्य बन जाने से हम अंधकार में से निकलकर ज्योति की संतान बन जाते हैं, इसलिए हमें भलाई तथा सच्चाई का फल उत्पन्न करना चाहिए। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 8-14 तक। मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। आप इसका पता लगाते रहे कि कौन कौन सी बातें प्रभु को प्रिय है। लोग अंधकार में जो व्यर्थ के काम करते हैं उनसे आप दूर रहें और उनकी बुराई प्रकट करें। जो काम वे गुप्त रूप में करते हैं उसकी चर्चा करने में भी लज्जा आती है। ज्योति इस सब बातों की बुराई प्रकट करती है और इनका वास्तविक रूप स्पष्ट कर देती है। ज्योति जो कुछ आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उससे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप ने, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है? ईसा ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और ना इसके माँ बाप ने। यह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा हमें उसका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है, अब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूँ तब तक संसार की ज्योति हूँ। उन्होंने यह कहकर भूमि पर थूका। थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलोआम के
कुंड में नहा लो। सिलोआम का अर्थ है प्रेषित। वह मनुष्य गया और नहाकर वहाँ से देखता हुआ लौटा। उसके पड़ोसी और वे लोग जो उसे पहले भीख मांगते देखा करते थे बोले, क्या यह वही नहीं है जो बैठे हुए भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, हाँ यह वही है। कुछ ने कहा, नहीं यह उस जैसा कोई और होगा। उसने कहा, मैं वही हूँ। इस पर लोगों ने उससे पूछा, तो तुम कैसे देखने लगे? उसने उत्तर दिया, जो मनुष्य ईसा कहलाते हैं उन्होंने मिट्टी सानी और उसे मेरी आंखों पर लगाकर कहा, सिलोआम जाओ और नहा लो। मैं गया और नहाने के बाद देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? और उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। पड़ोसियों की जांच पड़ताल। पहले अंधा था, फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन ईसा ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें अच्छी की थी वह विश्राम का दिन था। फरीसियों ने भी उससे पूछा कि वह कैसे देखने लगा। उसने उनसे कहा, उन्होंने मेरी आंखों पर मिट्टी लगा दी, मैंने नहाया और अब मैं देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसियों ने कहा, वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया है, क्योंकि वह विश्राम दिवस के दिन नियम का पालन नहीं करता। कुछ लोगों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चमत्कार कैसे दिखा सकता है? इस तरह उनमें मतभेद हो गया। उन्होंने फिर अंधे से पूछा, जिस मनुष्य ने तुम्हारी आंखें अच्छी की हैं उसके विषय में तुम क्या कहते हो? उसने उत्तर दिया, वह नबी है। यहूदियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अंधा था और अब देखने लगा है, इसलिए उन्होंने उसके माता पिता को बुला भेजा और पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है जिसके विषय में तुम यह कहते हो कि यह जन्म से अंधा था? तो अब वह कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम जानते हैं कि यह हमारा बेटा है और यह जन्म से अंधा था, किंतु अब यह कैसे देखता है हम यह नहीं जानते। हम यह भी नहीं जानते कि किसने इसकी आंखें अच्छी की हैं। यह सयाना है और इसी से पूछ लीजिए, वह अपनी बात आप ही बोलेगा। और उसके माता पिता ने यह इसलिए कहा कि वे यहूदियों से डरते थे। यहूदी यह निर्णय कर चुके थे कि यदि कोई ईसा को मसीह मानेगा तो वह सभागृह से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसलिए उसके माता पिता ने कहा, यह सयाना है, इसी से पूछ लीजिए। उन्होंने उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फिर बुला भेजा और उसे शपथ दिलाकर कहा, हम जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, वह पापी है या नहीं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं यही जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। इस पर उन्होंने उससे फिर पूछा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने तुम्हारी आंखों कैसे अच्छी की? और उसने उत्तर दिया, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब फिर क्यों सुनना चाहते हैं?
क्या आप लोग भी उनके शिष्य बनना चाहते हैं? वे उसे बुरा भला कहते हुए बोले, तू ही उसका शिष्य बन जा, हम तो मूसा के शिष्य हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर ने मूसा से बात की है, किंतु उस मनुष्य के विषय में हम नहीं जानते कि यह कहाँ का है। उसने उन्हें उत्तर दिया, यही तो आश्चर्य की बात है, उन्होंने मुझे आंखें दी हैं और आप लोग यह भी नहीं जानते कि वो कहाँ का है। हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त है और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्मांध को आंखें दी हैं। यदि वह मनुष्य ईश्वर के यही यहाँ से नहीं आया होता तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उससे कहा, तू तो बिल्कुल पाप में ही जन्मा है, तू हमें सिखाने चला है। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। ईसा ने सुना कि फरीसियों ने उसे बाहर निकाल दिया है, इसलिए मिलने पर उन्होंने उससे कहा, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, महोदय मुझे बता दीजिए कि वह कौन है जिससे मैं उसमें विश्वास कर सकूं। ईश्वर ने उससे कहा, तुमने उसे देखा है, वह तो तुमसे बातें कर रहा है। उसने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। ईसा ने कहा, मैं लोगों के प्रतिकंकर का निमित्त बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो अंधे हैं वे देखने लगे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। जो फरीसी उसके साथ थे वे यह सुनकर बोले, क्या हम भी अंधे हैं? ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम लोग अंधे होते तो तुम्हें पाप नहीं लगता, परंतु तुम तो कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ, आज के सुसमाचार में संत योहन के 9वां पाठ में हमने सुना है, और ये वाक्य मुझे बहुत ज़बरदस्त रूप से चुभ लिया। वो वाक्य क्या है? प्रभु कहते हैं, जो अंधे हैं वे देखने लगे और जो देखते हैं वे अंधे हो गए। ये कैसा उल्टा हो गया? जो अंधे हैं वो देखते हैं और जिनके आंख हैं जो देखते हैं वे अंधे हो गए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। कभी कभी हम लोग टेबल पर या ज़मीन पर जब हम बैठते हैं, खाना खाते हैं, एक परिवार जैसे चावल है, दाल है, कटोरी में दही है, चपाती है, चावल है, और बीच बीच में एक छोटे से कंटेनर में नमक है या काली मिर्च है, या कभी कभी कोई लोग दही में चीनी जोड़ना चाहते हैं, वो भी एक कटोरा में है। और कभी मैं पूछता हूँ, अरे नमक तो नहीं है इधर? नमक मेरे सामने है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। या कभी कभी मैं बोलता हूँ, अरे भाई मुझे वो चीनी चाहिए, चीनी लाओ, कहाँ चीनी रखा है? अरे चीनी मेरे सामने है, वो दिखता नहीं। ऐसे ही आप इसी उदाहरण को बढ़ाओ, दुनिया में आज ये कोरोना महामारी एक बीमारी फैला हुआ है, और कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, ये क्यों हुआ?
ये कैसे हुआ? और साइंटिस्ट और जो पृथ्वी को समझते हैं, इकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, कोई भी आप ऐसे नाम जोड़ो जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं ये मनुष्य ने बनाया। शायद ये कहीं कोई लेबोरेटरी में हुआ, शायद ये कोई, क्योंकि हमने इस धरती माँ को एक तरीके से बेहाल कर दिया, धरती माँ हमें मार रही है बीमारियों से। कोई कहते हैं हमने पर्वतों, जंगलों, पानी को पोल्यूट कर दिया, ये मुझ कुछ ना कुछ बीमारी आ गया इसके कारण। और कोई कोई कहते हैं हम लोग दुनिया के दुनियादारी की तेज़ रफ्तार में इस चीज़ के पीछे उस चीज़ के पीछे लालची बन गए, लालच में फंस गए। अभी हमारे लालच ने और ये भागदौड़ ने हमें एक तरीके से ठंडा कर दिया, स्लो कर दिया। हम लोग फास्ट लेन में जा रहे थे, सुपर हाईवे में, ये चीज़ वो चीज़, लेकिन आज हम लोग सब धीरे धीरे स्लो हो गए। और आज के दिन हम लोग अपने अपने कमरों में, अपने अपने घरों में रहे, बंद हो गए। हमारा चाल चलन बाहर बंद हो गया, इधर से भागना उधर से भागना। अभी हम देखो परिवार जैसे आए हैं, परिवार से हम भाग दौड़ नहीं कर सकते, अभी भाग नहीं सकते, परिवार में हम हैं। हर एक परिवार इधर आपके बाजू में, दाएं बाएं ऊपर नीचे, सब अपने अपने परिवारों में हैं। समय मिल रहा है परिवार को प्रार्थना करने को, एक दूसरे से बात करने को, क्षणिक चीज़ें, दुनियादारी चीज़ों को एक तरीके से ये दूर हो जाए, एक तरीके से हम इन इससे जो हमें अंधे किया, अभी हम अपने आंख बंद करें और ये चीज़ों पर नज़र ना रखें। कौन सी चीज़ें? ये क्षणिक चीज़ें, ये जो चीज़ें जिसके पीछे हम भाग रहे थे। दुनिया में एक सवाल पूछ रहे हैं, जब हम पिक्चर्स में देखते हैं, टीवी चैनल्स में देखते हैं, कितने लोग मर रहे हैं, उनके कफन देख रहे हैं, कितने फोटोज आ रहे हैं जो परिवार दुखी हैं क्योंकि उनके कोई माता पिता, भाई बहन, अंकल, कोई भी हो, वो इस बीमारी से गुजर गया। कोई कोई जगहों में हम सुनते हैं डॉक्टर और नर्स दिन रात काम कर रहे हैं और उनके चेहरे पर जो वो मास्क पहन रहे हैं ताकि बीमारी उन पर ना आए, जब वो मास्क को निकालते हैं कितने निशान हैं उनके चेहरों में, वो फोटोज़ भी मैंने देखा, डार्क डार्क लाइन्स, बिल्कुल साफ दिख रहा है। ऐसा मेहनत हो रहा है सब जगह, और हम भी अपने देश में एक दूसरे को साथ देना है इस समय। क्यों? जो छोटे चीज़ें हैं वो हमारे हृदय से निकल जाए, आंख हमारे इनके प्रति बंद हो जाए, और जो असली चीज़ें हैं, असलियत जो है हमारे जीवन में, प्रभु के पास एक दूसरे के प्रति वो प्यार, वो आए, तब हमारे आंख खुल जाएंगे। यदि मेरा नज़र इन चीज़ों पर है जो क्षणिक है, वो मुझे अंधा कर देगा। और दुनिया आज अपने आंख खोल रहे और पूछ रहे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है, आप दोबारा ऐसा नहीं होना है, ये बीमारी ऐसे और इस तरीके की बीमारी फिर ना आए, क्योंकि बहुत बड़ा धक्का दुनिया को लगा। कोई नहीं सोचा कि ये छोटा सा वायरस ऐसा खतरनाक हो गया कि सब लोग अभी एक तरीके से हिल गए, डर गए। तो प्रिय भाइयों और बहनों, क्या है दवाई हमारे लिए? एक ही दवाई, प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर के पास वापस आना है। जैसे नबी जोएल ने कहा, हृदय से प्रभु के पास आओ, बाहरी रूपी चीज़ों पर, वस्त्र, ये चीज़ ये छोड़ दो। जैसे पहले पाठ में हमने सुना, वहाँ पर नबी बताते हैं जो बाहर से जो दिख रहा है, जिससे आप आकर्षित होते हैं, उसको छोड़ दो। वो नहीं बनेगा दाऊद, वो नहीं बनेगा राजा, वो जो कहीं और है उसको ले आओ, जिस पर किसी का नज़र नहीं था, वो दाऊद पर अभिषिक्त हुआ। इसी तरीके से हम भी अपने विचार, नज़र प्रभु के पास हो, वो एक दवाई है। ही इज़ द वन मेडिसिन।
इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और इसलिए प्रभु यीशु इस वेदी में हमें अपना सब कुछ हमें देते हैं, ये मेरा शरीर, ये मेरा रक्त। हम लोग आजकल बहुत सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं, हाथ को साफ करते हैं पानी से, साबुन से, सैनिटाइजर से, कई कई मास्क पहनते हैं, कोई कहते हैं कहीं कुछ भी छो उसके बाद अपने हाथ को सैनिटाइजर या सोप और पानी से धो अपने, तो ये सब चीज़ें करेंगे, लेकिन किस लिए? कि हमारे जीवन में हम फिर प्रभु के पास आए, ये चीज़ें हट जाए। जैसे हम अपने हाथ साफ करते हैं जो गंद निकल जाता है, वायरस निकल जाता है, हम प्रभु यीशु के पास आए, वो मेरा शरीर, वो हमारा शरीर है, वो हमारे जीवन है। और जैसे डॉक्टर लोग दवाई देते हैं शरीर को फिर अच्छा करने को, चंगाई करने को, प्रभु यीशु भी हमारे लिए एक ही दवाई है, वो हमें अपने शरीर और रक्त से हमें फिर एक नया जीवन दे रहे। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें, और उन परिवारों के लिए भी जो एक तरीके से शोक में है, दर्द में है, दुख में है, जो अभी चिंतित हैं या उनके परिवार में कोई गुजर गए, हमारे देश में, सब देशों में एक समुदाय हम बन गए, पूरे देश के विश्वासियों हम लोग अभी एक परिवार हो गए, सबको, सारे देशों कहीं पर भी हो सब लोग कोशिश कर रहे हैं कैसे इस बीमारी को दूर करें। अब सब एक हो गए। अभी हमने सोचते हैं को ये इस देश का है, वो उस देश का है, ये उस परिवार का है, मैं इस परिवार, बड़ा छोटा ये सब निकल गया। अब हम सब लोग एक परिवार हैं, सारी दुनिया एक परिवार, एक प्रभु यीशु में, एक शरीर, एक रक्त से हम एक बनते हैं। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। साथ में हमारे माँ मरियम है जो हमें प्रभु यीशु की ओर ले चलेंगे, उनकी प्रार्थना से, मध्यस्थता से वो हमें इस प्यार में प्रभु यीशु के साथ समेट लेंगे। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा से घर में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान विश्वास और वहां से हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, ये विश्वासियों के निवेदन हम आज प्रकट करते हैं, अपने एकलौते पुत्र के संसार की ज्योति के रूप में तूने उन्हें भेजा है। हम आपके पास हमारी प्रार्थनाएं और आवेदन प्रकट करते हैं, कृपया सुने और काबुल करें। आपका जवाब, हे प्रभु, हमारे हृदय और मन अपनी रोशनी से खोल दे। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, पुरोहितों और धर्म संगी पवित्र सुसमाचार और संस्कारों के माध्यम से लोगों को प्रकाश रूपी ख्रीस्त के पास ला सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु की प्रभु के अनुग्रह द्वारा संसार में फैल रही कोरोना वायरस नामक महामारी का नाश हो और सभी इससे सुरक्षित रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। कि इस महामारी से संक्रमित लोग चंगाई और सांत्वन न पाए और प्रभु चिकित्सा को और इलाज कर रहे सबों को चौकसी, साहस, विवेक और अनुकंपा की आशीष प्रदान करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे दिन अपनी रोशनी से भर दे।
कि इस महामारी के कारण फैली व्याकुलता और बेबसी पर काबू पाया जा सके और संसार के शिथिल फिर से सामान्य हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। कि सभी बोर्ड की परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थी अच्छे अंगों के साथ पास हो सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम ये सभी प्रार्थनाएं और आवेदन सभी वायरस के संक्रमित लोग और सभी चिकित्सकों को अपना और आपके चरणों में सौंपते हुए दया तथा क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज नंबर 141, थीम 217। Goodness we have prepared to offer, which earth has given, and human hands have made, to become for us the bread of life. Lord, Mr. Word, come to share the divinity of Christ. Blessed are you, Lord God of all creation. The goodness we have this morning, which earth has given, and human hands have made to come for us, our spiritual drink. Lord God, we ask you to receive us and be pleased with the sacrifice we offer you with a humble and contrite heart. Lord God, wash away my sins, cleanse me from all my iniquities. भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। हे पिता, तू प्रभु यीशु के द्वारा मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप करता है। आज ये उपहार हम तुझे चढ़ाते हैं, जो अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। हम श्रद्धा पूर्वक इनका समादार करें तथा विश्व की मुक्ति के लिए इन्हें चढ़ाए, ये हमारी विनती है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अंधकार में भटकने वाले मानव को शरीर धारण का रहस्य प्रकट कर उसे विश्वास का द्वीय आलोक प्रदान किया। इन्होंने आदम के पतन के कारण पाप की दास्ता में जन्म लेने वालों का पाप कलंक स्थान संस्कार के द्वारा विशुद्ध कर उन्हें अपने दत्तक पुत्र पुत्रियों बना लिया है। इस कारण आकाश और पृथ्वी नूतन गान से तेरी आराधना करते और हम भी असंख्य स्वर्दूतों के साथ तेरा यश की घोषणा करते हुए गाते हैं। पेज नंबर 27, थीम 40। पावन अति पावन
परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे
हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से डर चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर के माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे उनके पुत्र ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारा प्रतिदिन का अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उन्हें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, ये मेरे लिए विचार का दंड का कारण ना बने, ताकि तेरे दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य वे जो इस बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर आए, किंतु एक ही शब्द कह दे मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
बैठ जाओ। संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है। तू अपनी कृपा के आलोक से हमारे हृदय ज्योतिर्मय कर दे कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हो और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें कि हमारे परिवारों से, हमारे देश में और पूरे विश्व में ये कोरोना वायरस की महामारी समाप्त हो जाए और प्रभु का राज्य हम सब के हृदय में फैल जाए। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। याद कर विनती कि परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर के भी सुनने में नहीं आया, कोई तेरी मदद मांगने, तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तू सहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इस आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ, कह रहा थे पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्द को स्वीकार मत कर, प्रदया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तेरे स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। माता मरियम शांति की रानी, संतनी मरियम थेरेसिया, धन्य देव सहायम पिल्ले। सूचनाएं, रविवार को हमारे क्राइस्ट किंग कैथेड्रल महागिरजा घर में रविवारीय मिसा बलिदान नहीं होगा। रोजाना शाम को 5:30 बजे रोज की तरह प्रार्थना होगी, मिसा बलिदान होगी, और सुबह 8 से 5:30 बजे तक पवित्र यूक्रिस्त की आराधना होगी। आप में से जो कोई भी आना चाहते दिन में आकर के व्यक्तिगत प्रार्थना आराधना कर सकते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। हम एक दूसरे के लिए इन दिनों में दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सब लोग, हम लोग सब एक परिवार जैसे एक दूसरे की मदद करें। प्रभु की कृपा हमेशा आप पर हो। गॉड ब्लेस यू।